आपको सीधे ले चलते हैं वाराणसी मलदहिया चौक, जहां पर काफिला पहुंच गया नरेंद्र मोदी का, और वहां से रोड शो के जरिए वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निकल रहे हैं। और उनके काफिले में जरा देखिए, हजारों लोगों की भीड़, सड़कें पूरी तरह से भरी हुई। सीधे आपको राजीव के पास ले चलते हैं। राजीव रंजन भाई, राजीव जरा बताइए क्या देख रहे हैं आप इस समय वहां से? देखिए, आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी का काफिला, जुलूस का काफिला अब वहाँ मलदहिया चौराहे से निकल गया है और कचहरी की तरफ चल रहा है, ये बनारस की सड़क पर। और सबसे बड़ी बात है मानक, ये तस्वीर जो न्यूज 24 आपको दिखा रहा है, ये तस्वीर दर्शकों को दिखा रहा है, ऐसी तस्वीर ये पूरी की पूरी जुलूस की शक्ल को अपने कैमरे में कैद करेगा। अभी नरेंद्र मोदी का रथ पीछे है, ये जुलूस, ये पैदल जो उनके समर्थक है ये आगे आ रहे हैं, पीछे इसके सारे लोग मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी का रथ इसके बाद जो है ब्लैक कैट कमांडो के घेरे में है, और नरेंद्र मोदी के रथ के पीछे जैमर भी लगा हुआ है। और पूरे सड़कों पर अगर आप देखें, ये पूरा का पूरा जो जनसमूह है आप इसको देख सकते हैं, पूरी तैयारी के साथ है। आसपास के लोग हैं, बनारस के लोग हैं, आसपास के जिलों से भी लोग आए, बिहार से भी लोग आए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, गुजरात से भी लोग आए हैं, और ज्यादा संख्या लेकिन आप कह सकते हैं कि बनारस के लोगों की है, बातचीत से ऐसा लगा है। लेकिन ये जरूर है कि बनारस में चारों तरफ एक बात और है कि अरविंद केजरीवाल ने एक जो ट्रेडमार्क टोपी निकाला है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। तकरीबन 80% लोगों के सिर पर भारतीय जनता पार्टी की टोपी है, और इस टोपी को लगा करके आए, कहीं कहीं अपना दल जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन किया है इस लोकसभा चुनाव में, 2 सीटें उसको बीजेपी ने दी है, उसके भी कहीं कहीं बैनर पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से थोड़ी देर के बाद नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, लेकिन अभी ये पूरा काफिला पीछे जो आप देख रहे हैं, ये पूरी तस्वीर, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कैमरे में नरेंद्र मोदी नहीं आए, थोड़ी देर में उनका रथ जो स्पेशली डिजाइन किया गया है और उसको विशेष तरीके से सजाया गया, सुरक्षा की दृष्टि से भी उसको बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। राजीव, जैसे ही नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं जहां पर आप हैं, आपके कैमरे में आते हैं, फौरन आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक भी हमें यहां पर